वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब सही होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। सो हैप्पी नवरात्रि गाइस टू ऑल। वैसे नवरात्रि खत्म होने वाली है, मैं आपको अब हैप्पी नवरात्रि कह रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रि से दो तीन दिन पहले मेरे को थोड़ा बुखार आ गया था और उसके बाद तो फिर मैं छोड़ गई थी आदत। तो आज से फिर व्लॉग करना चालू कर रहा हूँ, अभी नहीं दिखाना। सो गाइस दशहरा आने वाला है, रावण को दहन करते हैं। हर साल मैं रावण बनाता हूँ, पर इस साल मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आपको भी दिखाऊँगा। सो गाइस दिखा तो रहा हूँ, अभी खाली स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, खाली उसका एक ढांचा है और पर अभी हम उसमें जो है न्यूज़पेपर चिपकाएंगे, उसको कवर करेंगे तो भी दिखाऊंगा। और आपको एक कुमाऊनी ग्लू भी बनाना दिखाऊंगा, जिसे ले कहते हैं कुमाऊनी में। तो दिखाता हूँ आपको रावण, दिखा दूँ इन काउंट ऑफ 3 2 1। ये देख सकते हैं गाइस कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइस हमारा रावण। कुछ ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है हमारा रावण। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ से अटैच ही नहीं है। एक क्रेजी चीज दिखाऊं तो दिन ये देखो, अभी मैंने इसको इसलिए नहीं जोड़ा है ना, ये रावण की फ्रॉक है, ये रावण का चेस्ट है, ये रावण के हाथ हैं, अभी रावण की नेक हेड बनाना रहा है बस, और मुकुट और सारा चीज हो चुका है और इसको कवर करना रहा है। मत इन दोनों को तो मैं कवर आज ही कर दूंगा, इसको तो मैं पूरा कवर आज कर दूंगा हो सके तो। बस यही है कुछ अपना रावण। और मैं आपको अब ये बता देता हूँ मैंने उसको बनाया कैसे। पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ का रिंग लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा छोटे साइज़ का रिंग बनाया, और फिर यहाँ पे मैंने ऐसे करके स्टिक्स बैम्बू स्टिक्स लगा ली। अब इसमें नॉर्मल स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो, पर नॉर्मल स्टिक आप कहाँ ढूंढोगे। तो एक बैम्बू लिया ना, उस बैम्बू की इतनी छोटी छोटी स्टिक कर लेना, वो देखो जैसे वहाँ की है ना मैंने, तो ऐसे कर लेना। देखो एक यहाँ लगाना ऐसे, जैसे आपको जहाँ जहाँ पे पिज्ज़ा की तरह गैप छूटा होगा ना, वहाँ वहाँ एक स्टिक लगाते जाना, और फिर उसी की स्ट्रेट में एक यहाँ लगाते जाना, एक यहाँ स्ट्रेट में वैसे लगाते जाना। आपकी फ्रॉक रेडी है। फिर इसका भी बता दूँ, इस पर कुछ नहीं करना है, सेम उसकी तरह है, बट रिंग बराबर होंगे, क्योंकि जस्ट ना वो और ये तीन चीज़ वो ये वो ये मतलब ये तीन चीज़ बराबर होंगे। तो इसमें भी पहले आप अपने हिसाब से लगा लेना, इसमें ऐसा कोई नहीं है, पर गैप होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। और अगर हल्का सा आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फिर सेम चीज़ इसे करके ऊपर भी लगाना है, इसमें भी सेम चीज़ करना है। एक रिंग यहाँ बनाना है, एक रिंग यहाँ अटैच करना है, एक बैम्बू पहले यहाँ ऐसे करके लगानी है, एक बैम्बू फिर नीचे की ऐसे करके लगानी है, एक बैम्बू यहाँ, एक बैम्बू यहाँ, सेम चीज़ इसमें भी करना है। एक बैम्बू यहाँ लगानी है, एक बैम्बू नीचे लगानी है, एक बैम्बू यहाँ, एक बैम्बू यहाँ। और इसको टाई करने के लिए आप वायर यूज कर सकते हो, वायर नहीं है तो कोई भी धागा यूज कर सकते हो, धागे से भी हो जाएगा। और धागे में बहुत खर्चा है, और धागा रोक तो अच्छी तरह से देता है, पर गांठ मारो इसमें तो खाली ऐसे करके देखो ये है इस वायर, देखो मोड़ दो इसे, देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है रावण। अब इसको करते हैं हम न्यूज़पेपर से कवर। तो देख सकते हैं अपना सुपर ग्लू भी रेडी हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है, आटा डालना है, पानी डाल के इसको पका लेना है। जब तक पहले तो ये गीला होगा, जब पानी डालोगे जब तक उसका ऐसे करके वो एक हलवा टाइप का ना बन जाए, ऐसे करके गाढ़ा, तो तब तक उसको पकाते रहना है। अभी आपका ग्लू रेडी है, और ये जो है ये बहुत मजबूत होता है, बस इसको धूप की ज़रूरत होती है सूखने के लिए। देख सकते हैं आप, अब लाते हैं न्यूज़पेपर, पेश करते हैं इसको इसमें। सो गाइस अभी तो फिलहाल अपना रावण हो चुका है रेडी, देखो मेरे से भी बड़ा है रावण, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना रावण। देख सकते हैं अभी तो अपना रावण रेडी हो चुका है, मैंने इसमें न्यूज़पेपर लगा लिया है। बस जैसे आपने स्ट्रिंग बनाई थी वैसे आपको इसके छोटे छोटे पीस करके इसको चिपकाते रहना है सुपर ग्लू की मदद से। ये देखो, और देखो अगर हम इसमें ग्लू 10-10 रुपये वाला ग्लू करते ना, तो उसमें अभी जो 400 से 300 तक का ग्लू बन चुका होता। ये देखिए इतना मस्त मस्त दिख रहा है। और अभी इसके अंदर हम डालेंगे फायर क्रैकर्स, और ये मैंने यहाँ पे एक ऐसा इसलिए बनाया ताकि यहाँ पे गर्दन आराम से इस टाई केबल से टाई हो सके और गर्दन आ सके और सर आ सके। और सर बनाने का भी एक तरीका है बैलून से, एक बैलून में ट्राई कर रहा था पर फट गया, वो फटा इस चम्मच की वजह से, चम्मच पूरी अंदर से लग गई थी उसके, तब फटा। बनाओ पक्का बनता, मेरे को पक्का भरोसा था। ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है रावण, तेरा नज़र तो मारिए,
ये देखिए अभी इसको हम थोड़ा डेकोरेट भी करेंगे, तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है हमारा रावण। कमेंट्स भी ज़रूर बताना अभी आपको हमारा रावण कैसा लग रहा है। अभी तो खाली आधा ही बना है, अभी तो पूरा भी बनेगा और दिवाली की सफाई होने लग गई है, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये मेरे कमरे और मम्मी के कमरे की दिवाली की सफाई हो रही है, मतलब भी सारा मेरे कमरे का सामान है। देखो मेरे बेड में जो था अंदर, तो सारा सामान है, इन सब की सफाई है, सबको धूप में सुखा रखा है, ये देख सकते हैं, क्योंकि धूप में सुखाने से डस्ट चले जाती है और जो भी थोड़ी बदबू आती है ना कपड़ों में से नीचे डाले रहते हैं तो थोड़ी महक आ जाती है अजीब सी, उसको भी भगाने के लिए हम सन का इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी बदबू इवेपोरेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अब इसको मैं इसकी हेड बनाने की तैयारी करता हूँ, हेड के साथ साथ अब इसकी गर्दन भी बनानी है, हेड तो उसमें तो होगा, तो कैसे चलो सब कुछ रेडी कर देते हैं और मुकुट भी बनाना है, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी तो फिलहाल जो है अपना बन चुका है रावण का सर, और अभी तो फिलहाल गाइस मैंने एक और चीज़ बनाई है जो कि अपना गेमिंग सेटअप, अब मैं गेमिंग चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, पहले मैं आपको हेड दिखा देता हूँ, क्या मस्त लग रहा है यार। देखिए गाइस इसे बनाते बनाते शाम हो गई और ये मैंने कुछ जुगाड़ लगा के थोड़ी डंडी से इसे ऊँचा किया है ताकि जो सन की रे है वो इस तक पहुँच सके। ये देखिए अभी अच्छे तरीके से सूखा नहीं है ना, थोड़ा हल्का फुल्का गीला है ये, अंदर से है, बाहर से सूख चुका है, अंदर से गीला है। बस जब ये पूरे तरीके से सूख जाएगा तो देखिए ये बलून है पता है भी, तो ये बलून को बस्ट कर देंगे हम, बस फिर उसकी हवा निकलती रहेगी और ये जो है ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो सूखेगा नहीं और ये गीला होगा तब ये सिकड़ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना गेमिंग सेटअप इन काउंट ऑफ 3 2 1। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है अपना गेमिंग सेटअप, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने पीछे इस तरह से वायरिंग की है, सब मैंने की है देख सकते हैं, इस करके मैंने स्पीकर लगा रखे हैं, क्या मस्त लग रहा है। देखिए यहाँ की सफाई और थी, ये मेरा रूम है और यहाँ से हमने डाइनिंग टेबल भी ना बाहर कर ली है, देखिए डाइनिंग टेबल भी आज फिलहाल हमने बाहर कर दिया है, यहाँ पर कुछ मस्त लग रहा है ऐसे करके, ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है अपना गेमिंग सेटअप। गाइस अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ बनानी है, रावण का मूंछ, मुकुट, आँख, नाक, पता नहीं कितनी चीज़ें, और उसे कलर करना है। तो अभी तो फिलहाल गाइस अभी मैं बाजार भी जा सकता हूँ और जाऊँगा तो आपको पहले दिखाऊँगा, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी तो फिलहाल अपने रावण का जो है नेक गर्दन रेडी हो चुकी है, दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप अपनी गर्दन रेडी हो चुकी है रावण की, यहाँ अपना रावण और इसकी गर्दन भी रेडी हो चुकी है और रावण का हेड का बैलून भी मैंने बर्स्ट कर दिया है, दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर अभी फिलहाल थोड़ा न्यूज़पेपर भरा है तभी थोड़ा भारी हो रहा है, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है रावण का हेड, मैं बोल रहा था ना देखो न्यूज़पेपर तो बैलून से कितना अच्छा हेड बन जाता है। और अभी इसकी मैंने मूंछ भी बना ली है, तो गर्दन गिर गई, ये देख सकते हैं कुछ ऐसी लग रही है इसकी मूंछ। एक बार मैं आपको इसको हेड में लगा के दिखाता हूँ, तो कैसे देख सकते हैं कुछ ऐसा लगेगा अपना रावण, अभी तो वैसे इतना सही नहीं लग रहा है, जब कलर वलर हो जाएगा ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हेड वहाँ जाएगा, पहले नेक जाएगी, हेड जाएगा, फिर मूछ मूछ, पहले हेड बना लेंगे फिर आराम से इसको फिट करेंगे। सो गाइस अभी तो फिलहाल हो चुका है सोने के वक्त, दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अभी तो फिलहाल हो चुका है सोने के वक्त और मैं आ चुका हूँ अपने बिस्तर में, और आजकल तो हमने कंबल भी निकाल लिया क्योंकि आजकल यहाँ हल्दवाई में ठंडा हो रहा है ना। अभी तो फिलहाल मस्त सो जाता हूँ मैं, रावण भी अपना मस्त कल बना लेंगे, कल यूजुअली हम उसके आँख नाक पूँछ सारे उसमें चिपका देंगे, उसका मुकुट भी तो बनाना है और नेक लगा देंगे उसकी, और फिर कल हो सके तो चार्ट पेपर ला के मैं उसे कर दूंगा। कल तो मैं पक्का बाज़ार जाने वाला हूँ, मेरे को बाज़ार इसलिए जाना है ना, मैं बोलता था मैंने आपको बोला था मैं चेस क्लासेस लेता हूँ तो स्कूल में लेता हूँ, उसके लिए चेस बोर्ड चाहिए, तो फिलहाल वो चेस बोर्ड लेने जाना है। अभी तो फिलहाल गाइस मैं इस ब्लॉग को हैंड करता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं एडिटिंग करके ये वीडियो को यूट्यूब में डालूंगा और आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।